वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू मैथमेटिक्स क्लास 8। तो आज हम एक बहुत बड़े अरसे के बाद मिल रहे हैं, एक काफ़ी बड़े इंटरवल के बाद। और उसका रीज़न यही है कि आप लोग जो है वो एक्टिव नहीं हो अपने जो हमारे क्लास 8 के ग्रुप पे, आप लोग एक्टिव नहीं हो। तो इस वजह से आप लोगों को वीडियो मिलने में बहुत ज़्यादा देरी लग रहा है। तो मेरा हर एक स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वो हर एक जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका रिप्लाई करें, उसका भरपूर जो है मेहनत करें उस चीज़ को करने में। क्योंकि हम भी ये जो वीडियोस है वो घंटे भर, दो घंटे में नहीं बनाते, बल्कि इसको एक दो तीन दिन लगता है बनाने में, ठीक है ना। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्यारे बच्चों। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमारा ग्रुप है उस पे आप रिप्लाई करें, आप जो है वो अच्छे से रिप्लाई करें, ताकि हमें जो है पढ़ाने में भी मज़ा आए और आपको पढ़ने में भी मज़ा आए। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं, नया एक चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, जिसका नाम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है। और इसमें हम जानेंगे कि स्क्वायर क्या चीज़ होता है, स्क्वायर रूट क्या चीज़ होता है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें क्यूब रूट्स के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको करना चाहूँगा कि जो स्क्वायर होता है वो क्या चीज़ होता है। स्क्वायर कहा जाता है अगर हम एक नंबर का को दो बार लिखेंगे, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर आ जाएगा वो उसका स्क्वायर कहलाएगा, जो नंबर आ जाएगा वो इसका स्क्वायर कहलाएगा। जैसे कि वन को अगर हम दो बार लिखेंगे तो वन आ जाएगा, तो वन का जो स्क्वायर रहेगा, वन को डबल करने पे वो आ जाएगा वन। ये स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, यानी डबल, दो बार लिखना। किसी नंबर को अगर हम दो बार लिखेंगे और जो नंबर आएगा तो वो जो नंबर आ गया वो स्क्वायर रहेगा किसका, जिस नंबर को हमने दो बार लिखा। मगर इसमें आपको ये याद रखने की ज़रूरत है जो दो नंबर है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप 2 × 3 नहीं कर सकते हो और आप कहोगे फिर 6 जो है 3 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है, नहीं। बल्कि यहाँ पे जो नंबर्स होंगे जिसको हम दो बार लिख रहे हैं वो जो है सेम होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के बारे में मैं अभी आपको बता दूं, चलिए बता देते हैं। स्क्वायर रूट कहा जाता है जिस तरह प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, या मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, वैसे ही स्क्वायर का जो उल्टा होता है वो स्क्वायर रूट उल्टा होता है किसका, स्क्वायर का। यानी एक प्लस माइनस का रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बीच में एक प्लस माइनस वाला रिलेशन होता है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बीच में एक प्लस माइनस का रिश्ता होता है। कहने का मतलब है अगर देखिए 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, ठीक है, बिल्कुल उल्टा रिलेशन, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम 4 ले लेंगे, उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो वो आ जाएगा 2 आएगा, ठीक है। ये आपस में जो है इन्वर्सली हम कह सकते हैं रिलेट है, ठीक है, इन्वर्सली रिलेट है। अगर हम एक को प्लस मानेंगे तो दूसरा माइनस रहेगा, माइनस वाला, ठीक है, बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। स्क्वायर आपको समझ में आएगा कि नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है वो स्क्वायर होता है। उसी जो नंबर है, कोई भी नंबर, उसका स्क्वायर रूट का मतलब हो गया, उसके स्क्वायर रूट का मतलब ये हुआ कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, ठीक है, किस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा वो स्क्वायर रूट होगा इसका। तो जैसे कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, 4 को 4 कब आएगा, हमें किस सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, तो वो 2 है। और एक एग्जांपल जैसे कि 16 मान लीजिए, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे
तो 16 का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो किस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करने पे आएगा? 4 को, 4 × 4 करने पे 16 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ जो 16 होगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत ही हो। आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। तो हम अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट जो जो चीज़ हमें पढ़ना है उसके बारे में जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट चीज़ है हमारा वो है एक्सरसाइज नंबर 6.1। 6.1 में हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं इनका स्क्वायर करना है सबसे पहले तो, और इनका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा हमें बताना है। 81 का यूनिट डिजिट क्या आएगा मगर स्क्वायर करने के बाद? तो इसका एक शॉर्टकट सा फॉर्मूला है। मिसाल के तौर पर 81 है ना प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर करने पे यूनिट स्क्वायर में यूनिट वाला नंबर क्या आएगा ये हमें मालूम करने के लिए हमें इसके यूनिट वाले नंबर को जिस नंबर से ये ख़त्म हो रहा है उसको लेना है, उसका स्क्वायर करना है। तो उसका स्क्वायर करने पे 1 × 1 करने पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका जो 81 का स्क्वायर करने पे यूनिट वाला जो नंबर आएगा वो 1 आएगा, सीधी बात है और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा 272 है, 272 इसका स्क्वायर करने पर यूनिट वाला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा वो मालूम करने के लिए हमें ये 2 को लेना है, इसको स्क्वायर मारना है। ठीक है, तो स्क्वायर मारने पर 2 × 4 आ जाएगा, 4 यूनिट वाला नंबर आ जाएगा 272 का। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो यूनिट वाला नंबर आएगा वो जो है 4 आएगा। ठीक है, तो इजी है। ऐसे ही दूसरे आप एग्जांपल्स मुझे करके दिखाओगे, उम्मीद यही करते हैं आपसे। ठीक है, और बिल्कुल ये जो बचे हुए पार्ट्स है देखिए मैं अभी आपको बताऊंगा, थर्ड से लेके आपको 10 तक मुझे करके दिखाना है, बहुत इजी है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। सॉरी, ये जो नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके लिए आपको रीज़न देना है। तो आपको समझना क्या है प्यारे बच्चों, देखिए परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ना कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से ख़त्म हो रहा हो, होना चाहिए, 4 से ख़त्म होना चाहिए, 5 से, 6 से, 9 से, इन नंबर से अगर ख़त्म होगा, और डबल इवन नंबर ऑफ 0 से, डबल 0, 4 बार 0, 6 बार 0, 8 बार 0, ऐसे नंबर से अगर कोई नंबर ख़त्म हो रहा होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसके बगैर अगर 3 से ख़त्म हो रहा है नहीं होगा, 2 से ख़त्म हो रहा है नहीं होगा, 7 से ख़त्म हो रहा है नहीं होगा। ठीक है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो इसके लिए हम रीज़न यही दे सकते हैं कि ये जो पहला वाला नंबर है वो 7 से ख़त्म हो रहा है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरा वाला नंबर 3 से ख़त्म हो रहा है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तीसरा वाला नंबर 8 से ख़त्म हो रहा है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चौथा वाला नंबर 2 से ख़त्म हो रहा है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पांचवा वाला नंबर 000 यानी ऑड नंबर ऑफ 0 से ख़त्म हो रहा है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये वजूहत हम दे सकते हैं। तो हमें याद यही रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 1 से, 4 से, 5 से, 6 से, 9 से और इवन नंबर ऑफ 0 से कोई नंबर ख़त्म होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको मैं बताऊँ, परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि 4 है आप जानते हो, या 144 है ना, तो ये किस से ख़त्म हो रहा है, 4 से, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए 4 से ख़त्म हो रहा है ना इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। या जैसे कि मिसाल के तौर पर 25 है, सॉरी, जैसे कि आपके पास एग्जांपल के तौर पे 25 है, 25 किस से ख़त्म हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है, 5 से ख़त्म हो रहा है, 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। दूसरा वाला भी ऐसे ही आपको करना है, बाकी जो दूसरे पार्ट्स थे हम अब हमने आपको क्या क्या दिखाया, सारे दिखाए वैसे, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एन ऑड नंबर। इसमें से किस नंबर का जो स्क्वायर होगा वो ऑड नंबर आ जाएगा। तो इसमें वही फार्मूला आपको अपनाना है। देखिए जैसे कि 431 है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करने पे 431 है, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ जाएगा। ठीक है,
तो वन आ जाएगा, तो इसका जो स्क्वायर वाला नंबर आ जाएगा वो वन आ जाएगा, तो ये ऑट हुआ, ये ऑट आ जाएगा। मगर यहाँ पे सिक्स का स्क्वायर करने पे 36 आ जाएगा, सिक्स का स्क्वायर करने पे 36 आएगा, सिक्स का स्क्वायर करने पे 36 और यूनिट वाला प्लेस सिक्स आ जाएगा, तो ये इवन होगा, ये जो है ऑड नंबर नहीं होगा। तो पहला वाला ऑड होगा, दूसरा वाला ऑड नहीं होगा, ऑड नंबर नहीं आएगा। तीसरा वाला ऑड होगा क्योंकि 9 9 81 आता है। चौथा वाला ऑड नंबर नहीं आ जाएगा, स्क्वायर वाला जो नंबर होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। 431 यूनिट्स, डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज़ वन एंड स्क्वायर ऑफ वन इज़ वन, देयर फोर स्क्वायर ऑफ 431 वुड बी एन ऑड नंबर। ये ऑड नंबर आ जाएगा, ये इवन आ जाएगा दूसरा वाला, तीसरा ऑड आ जाएगा, चौथा इवन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा थोड़ा पैटर्न के बारे में, तरतीब के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में आपने छोटे क्लासेस में पढ़े भी होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 11 का स्क्वायर है वो 121 आ गया, यहाँ पे 0 बढ़ने पे यहाँ 1021 आ गया, यहाँ 0 2 बढ़ने पे यहाँ पे 100 200 आ गया, इस तरह भी आप देख सकते हो, ठीक है। देखो 2 0 बढ़ने पे 100 200, 10 आने पे 1020, 100 आने पे 100 200। अब यहाँ पे जितने भी है 1 2 3 4, यानी 1s 10s 100 1000 10000, यहाँ पे आएगा 10000 20000 1, ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आप बताइए, यहाँ पे कितने कितनी मरतबा है, यहाँ पे कितनी मरतबा है, देखिए जितना ज़ीरो होगा उतना, मतलब फिर 2 1s 10s 100 1000 10000 lakh 10 lakh, 10 lakh 20 lakh आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही पैटर्न मिल रहा है कि 10 21, ठीक है, 2 0 आने पे 100 200, 3 0 आने पे 1000 2000, 4 0 आने पे मतलब 10000 20000, 5 0 आने पे 20000, 5 0 आने पे 1 lakh 1 lakh 2 lakh, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न आपने समझ लिया होगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, क्वेश्चन नंबर पाँचवें पे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे भी हमें देखना है नंबर्स को, ठीक है, पैटर्न को देखना है, तरतीब क्या है इस नंबर में और फिर क्या आएगा वो देखना है। यहाँ पे 10 है तो 10 20 आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे 10 दो बार है तो 10 20 30 आ गया। यहाँ पे 10 तीन बार है तो 10 30 आ गया ना, दो बार पे 30 आ गया, एक बार पे 20 आ गया, दो बार पे 30 आ गया, तीन बार पे 40 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 10 20 30 40, फिर आ जाएगा 30 21, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर 10 3 बार होगा तो 40 तक जाएगा, है ना, फिर वापस आएगा 10 20 30 40, फिर 30 21, ठीक है। यहाँ पे 10 कितनी बार है, 4 बार, तो 50 तक जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि पैटर्न हमें बोल रहा है एक बार 10 होने पे 20 तक जाता है, दो बार 30, तीन बार फिर वापस भी आता है, ठीक है। यहाँ पे 4 बार है तो 50 तक जाएगा, फिर 40 30 40 30 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको याद रखने हैं, ये वाला, इसमें दो पहले वाले में जैसे 100 200 वाला था, यहाँ 10 20 का मसला है, थोड़ा सा आपको समझना है और आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, पैटर्न को समझते हुए मिसिंग नंबर को फिर से लेना है। यहाँ पे देखिए 1 2 2 और 3 का स्क्वायर है, 2 3 है, ठीक है, 6 का स्क्वायर है, फिर 7 आ जाएगा, 6 7। देखिए यहाँ पे अगर ये नंबर मालूम करना है तो ये वाला और ये वाला नंबर मालूम करना है तो 2 3 6 7 12 13, यहाँ पे 20 आ जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि यहाँ पे 12 13 6 7 आ रहा है, एक एक नंबर का फ़र्क आ रहा है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ जो नंबर आ जाएगा वो 20 आएगा। अब हमें ये मालूम करना है, ये मालूम करने के लिए देखिए यहाँ पे 3 4 12, यानी 3 4 12 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, तो 5 6 30 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 5 6, या ऐसे भी कर सकते हो, 4 होगा तो 5, 3 होगा तो 4, 2 होगा तो 3, 1 होगा तो 2, तो 5 होगा तो 6, 6 7 6 7 कितना आ जाएगा, 42 आएगा यहाँ पे, 42, यहाँ पे 43, ठीक है, जैसे कि नीचे दिया भी गया है।
तो ये पैटर्न आपको मालूम अच्छे से देखना है बेटा, वीडियो को अच्छे से देखो, पॉज करके देखो, दो तीन मर्तबा देखो या खुद से ट्राई करो तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमें बिना ऐड किए हुए इनका सम निकालना है। आपको एक चीज़ याद रखना है, सम ऑफ ऑड नंबर्स है ना, सम ऑफ ऑड नंबर्स, नंबर्स ऑड नंबर्स का अगर हम सम करेंगे ना, तो जितने नंबर ऑफ नंबर्स होंगे ना, जितने नंबर्स उसका स्क्वायर करना है, बस जितने नंबर्स होंगे उसका स्क्वायर करना है, उससे हमें सम ऑफ ऑड नंबर्स मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर हमें सम ऑफ टू ऑड नंबर्स, दो ऑड नंबर का सम करना है। मिसाल के तौर पर पहले दो ऑड नंबर्स क्या है, 1 और 3 है ना, उसका सम करना है। तो या तो आप इस तरह कर सकते हो, 4 ला सकते हो, या टू ऑड नंबर्स का सम, मतलब 1 2 2 नंबर है ना, 2 2 4 आ जाएगा, यानी उन दोनों का सम क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स मिसाल के तौर पर अगर आपको निकालना है, 3 ऑड नंबर्स का सम, तो 3 का स्क्वायर करना है, 3 3 9 आ जाएगा, उनका सम 9 आ जाएगा, 3 ऑड नंबर्स का सम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि कितने नंबर से 1 2 3 4 5 है, तो इन सारों का जो सम आ जाएगा ना, इन इनका 1 2 3 4 5 इनका सम आ जाएगा, वो 5 5 से 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, इनका जितना नंबर है उसका स्क्वायर करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इन सारों का सम 10 10 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ ऑड नंबर के केस में होता है। अगर हमें ऑड नंबर्स का सम निकालना है, तो जितने नंबर से उसका स्क्वायर करना है, ये याद रखना है, तीसरा आप खुद जान लोगे। ठीक है, जैसे कि तीसरे में कितने हैं, 12 है ना, 12 12 नंबर्स होंगे, तो 12 का स्क्वायर करना है, 144 इनका सम आ जाएगा। 49 को हमें 7 ऑड नंबर्स में दिखाना है, इसका उल्टा है सीधा। ठीक है, 49 को हमें 7 ऑड नंबर्स में दिखाना है, तो हम कुछ इस तरह दिखा सकते हैं 49 को। देखिए 49 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 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 5 प्लस 7, कितने आने चाहिए, 7 ना, 1 2 3 4 9 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं, अभी 13 आ जाएगा, ये इसका सम होगा। ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर्स में हमने 49 को दिखा दिया, 1 3 5 7 9 11 एंड 13 आ जाएगा। ठीक है, या जैसे कि 121 को 11 ऑड नंबर्स में दिखाना है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 11 ऑड नंबर्स लिखने, 1 3 5 7 9 11 11 13 15 17, यहाँ पे 11 आना चाहिए, 17 के बाद 19 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 21 तक आपको लिखना है, ये सम ऑफ ऑड नंबर्स इस तरह से। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है प्यारे बच्चों ये करना, तो इसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। ये आप इस तरह कर सकते हो, सम ऑफ ऑड नंबर्स आप निकाल सकते हो, फार्मूला आपको याद रखना है, फिर एक बार मैं लिखता हूँ, इम्पोर्टेंट है इसलिए। सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स वो बराबर होता है, जितना ऑड नंबर्स है ना लिख के, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना है उसका स्क्वायर करना है, तो हमें सम ऑफ ऑड नंबर्स शॉर्टकट तरीके से मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों के दरमियान कितने कितने नंबर्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे इन दोनों के दरमियान, 12 का मिसाल के तौर पर और 13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान कितने नंबर्स आएंगे वो हमें मालूम करना है। वो मालूम करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट सा फार्मूला है, 2n वाला। ठीक है, 2n मतलब 2 इंटू, जो n है वो पहला वाला नंबर होगा, 2 इंटू 12, यानी 2 2 4, 2 1 2, 24 नंबर्स होंगे 12 और 13 के स्क्वायर के दरमियान, स्क्वायर वाले नंबर्स के दरमियान 2n आपको याद रखना है। ठीक है, और 25 और 26, जैसे कि 25 है और 26 है, इन दोनों के स्क्वायर अगर हम करेंगे, नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, गौर से सुनिए, नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो इनके दरमियान कितने नंबर्स आएंगे वो मालूम करने के लिए, फिर से वही फार्मूला 2n वाला, 2 इंटू n, मैंने बोला था आपको ये पहला वाला नंबर होता है, ये n+1, ये n है, तो 2 इंटू 25 मतलब 25 दूनी 50, इन दोनों के दरमियान 50 नंबर्स होंगे।
99 और 100 लास्ट वाला नंबर है, ये आप खुद करोगे, 2 × 2 × 99 आएगा नंबर्स, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो है पहला एक्सरसाइज है वो ख़त्म हुआ जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर दूसरा हमारा क्या है, स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हमें निकालना है, यानी 32 का स्क्वायर क्या आ जाएगा। 32 का स्क्वायर हम निकालने के लिए एक ये अप्लाई कर सकते हैं, सीधा 32 का स्क्वायर करने से बेहतर है 30+2 का होल स्क्वायर करके। 30+2 का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह यहाँ पे 30 है, तो 30 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × ए यहाँ पे 30 है और बी 2 है, तो इस तरह से सारों का ऐड करके 1024 आ जाएगा। यहाँ पे भी ए प्लस बी का फॉर्मूला डाल के हम कर सकते हैं 30+5 को, जैसे कि पहले 30 का स्क्वायर करना है, फिर 5 का स्क्वायर करना है प्लस 2ab, ये फार्मूला डाल के, ठीक है। तो ऐसे हम इनका स्क्वायर मालूम करते हैं, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आएगा, तो ये आप कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पे जाएंगे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बात करेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ नहीं होता है प्यारे बच्चों, 3 नंबर्स होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है 3 नंबर्स होते हैं, जिनमें क्या होता है, दो नंबर्स को स्क्वायर करके, स्क्वायर करने पे और प्लस करने पे तीसरे वाले नंबर के स्क्वायर और प्लस के बराबर आ जाएगा, तो उन्हीं नंबर्स को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, जो दो नंबर्स हैं ना, दो नंबर्स को स्क्वायर करके प्लस करने पे तीसरे वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो वो तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। इसमें पहला जो मेंबर होता है वो 2m के बराबर होता है, दूसरा वाला मेंबर m स्क्वायर प्लस 1, तीसरा वाला मेंबर m माइनस 1। यानी अगर आपको जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट मालूम करना है, तो m की जगह कोई भी वैल्यू रख दो आप, 2 × 1 = 2, पहला वाला मेंबर अगर 2 होगा तो दूसरा वाला मेंबर होगा वो होगा 1 × 1 = 1 + 2 = 2 होगा। पहला वाला मेंबर मिसाल के तौर पर आपको दिया गया होगा 6, ठीक है, 6 दिया गया होगा, m का वैल्यू 6 नहीं पहला वाला मेंबर आपको अगर 6 दिया गया होगा, 2m = 6, तो m का वैल्यू आपका आ जाएगा 2 × 3 = 6, पहला वाला मेंबर आपका आ जाएगा, फिर पहला वाला मेंबर तो आपको पता है 6 है, तो दूसरा वाला मेंबर मालूम करने के लिए आप 3 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे, 9 + 1 = 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये जो 8 है हमारे पास, जो 8 है, 10 है और जो 6 है, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप मालूम कर सकते हो। अगर एक मेंबर दिया गया, अभी मैंने दिखाया जैसे कि 6 है, तो दूसरे मेंबर्स को आप आराम से निकाल सकते हो, जैसे कि 2m = 6 आ गया, तो m = 6/2 = 3 आ गया, m का वैल्यू 3 आ गया, तो दूसरे वाले मेंबर्स को निकालने के लिए यहाँ पे आप पुट करोगे m² - 1 m² + 1 में, वो करके हमें 8 और 10 आ गया, जैसे कि 14 है। पहला वाला मेंबर कौन सा है, 2m = 14 है ना, बाकियों में तो हम ये रख सकते हैं, यहीं पे हम एक मेंबर को रख देंगे 2m = 14, तो m = 14/2, 2 × 7 = 14 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला नंबर तो 14 है, दूसरा मालूम करने के लिए m² - 1, m² - 1 मीन्स 7² - 1, 7 × 7 = 49, -1 = 48 आ जाएगा, दूसरा वाला मेंबर आएगा 48। अब तीसरा वाला मेंबर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, m² + 1 करेंगे, यानी 49 + 1 = 50, तो कौन कौन आएगा बेटा, 14 आ जाएगा, 48 आ जाएगा और 50, ये सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ जाएंगे, ठीक है। यानी अगर हम देखिए क्या था, 14 का स्क्वायर करेंगे प्लस 48 का स्क्वायर करेंगे, वो 50 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है,
तो ऐसे आपको करना है। मिसाल के तौर पर ये 14 वाला अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए आपको दिख रहा होगा, तो पहला वाला नंबर हमारे पास है 14, दूसरा वाला 48 और तीसरा वाला 50 आ गया। देखो अगर हम 14 का स्क्वायर करेंगे, 48 का स्क्वायर करेंगे, तो वो 50 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको आपको अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे है ना, और रिप्लाई करोगे जो बचे हुए क्वेश्चन से। ये उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और रिप्लाई ज़रूर करना व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है।